पठान पर टिकी है बॉलीवुड की सारी उम्मीदें। पठान हुई फ्लॉप तो बॉलीवुड खत्म होने के कगार पर। जिस प्रकार अर्जुन कपूर की कुत्ते हुई फ्लॉप, अब पठान को लेकर भी बॉलीवुड को लगने लगा डर। पठान को हिट कराने के लिए लगा पूरा बॉलीवुड। एक तरफ सुनील शेट्टी अपनी बेटी की शादी की तैयारी छोड़कर योगी आदित्यनाथ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते। #boycottbollywood आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। वही दूसरी ओर इसे हिट करवाने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर 50,000 लोगों की वॉच पार्टी रखी है। लोग फ्री में फिल्म देखकर करेंगे खूब तारीफ, जिससे लोगों को सिनेमा घर लाने में होगी आसानी। दुबई से लेकर भारत तक पठान को हिट करवाने की हो रही है तैयारी। बुर्ज खलीफा पर भी ट्रेलर को चलाया गया। अफ्रीका के केली पॉल जो बॉलीवुड के गानों पर करते हैं डांस और उनकी तगड़ी है फैन फॉलोइंग, वो शाहरुख खान के ही गानों पे कर रहे हैं डांस। एक लिस्ट और है जिसमें शाहरुख को चौथे सबसे अमीर एक्टर बताया गया, जबकि शाहरुख की 4 सालों से कोई फिल्म ही नहीं आई है। तो फिर कमाई कहां से हुई? इससे पहले जीरो भी फ्लॉप ही गई थी। बॉलीवुड अपना पूरा जोर पठान को हिट कराने में लगा रहा है, पर भारत में इसका प्रमोशन ना के बराबर हो रहा है। शाहरुख इंडियन मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, वहीं दीपिका कहीं नजर नहीं आ रही है और जॉन ने थैंक्स बोलकर ही काम चला लिया। अब बॉलीवुड अपने बैकफुट पे आ गया है। इससे पहले स्टार्स कह रहे थे मेरी फिल्म नहीं देखनी तो मत देखो। अब एक हिट के लिए तरस रहा बॉलीवुड। इस पे आपकी क्या राय है हमें जरूर लिखें।